हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉस्मेट जीएम क्रीम के बारे में, जो कि इस क्रीम को बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज की जाती है और क्या इस क्रीम को गोरे होने में, फेयरनेस में भी यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह कॉस्मेट जीएम क्रीम जो कि ओकानेट हेल्थ केयर कंपनी की है, इसकी प्राइस की बात करें तो 3200 रुपए है, जो कि 25 ग्राम पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, इसमें साल्ट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोबिटासोल, जेंटामाइसिन, माइक्रोजोल, नाइट्रेट, 3 साल्ट से बना ये क्रीम। दोस्तों कॉस्मेट जीएम क्रीम जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन का सबसे बढ़िया क्रीम है और काफी अच्छे रिजल्ट दिया गया इस क्रीम के, और ये एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस क्रीम को। नंबर वन, जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है, मतलब दाने निकलते हैं चेहरे पर, तो उनमें काफी अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं इस क्रीम को। नंबर टू, इचिंग में अगर किसी को खुजली की समस्या है तो खुजली वगैरह में भी यूज कर सकते हैं इस क्रीम को। नंबर थ्री, अगर किसी को छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं बॉडी में, कहीं भी चेहरे पर हो या बॉडी में कहीं भी, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर फोर, दाद में, दोस्तों दाद हो जाती है, दिनाई हो जाती है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट। इसके अलावा अगर किसी दवाई से एलर्जी हो जाए तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर सिक्स, दोस्तों कई जने का ऐसा होता है कि चेहरे पर झाई वगैरह निकल जाते हैं, तो झाई में भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा है, आपको कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा आपके झाई। नंबर सेवन, स्किन एलर्जी में, अगर कहीं पे एलर्जी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस क्रीम को। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं कॉस्मेट जीएम क्रीम को, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कुछ ही दिन में आपके ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, जड़ से खत्म होगा। और दोस्तों इस क्रीम को क्या गोरे होने में यूज कर सकते हैं, सबसे अहम सवाल है ये, काफी लोग यही पूछते हैं। तो दोस्तों इस क्रीम को फेयरनेस में, गोरे होने में नहीं यूज कर सकते हैं। बाकी कई लोग इस क्रीम को मिस यूज कर लेते हैं, मतलब फेयरनेस के लिए यूज कर लेते हैं गोरे होने में, और फिर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है इस क्रीम के। हाँ ये होता है कि जब इस क्रीम को गोरे होने में यूज करेंगे तो शुरू शुरू में आपको चेहरा साफ कर देगा, बट बाद में नुकसान भी करता है। तो दोस्तों इस क्रीम को फेयरनेस में, गोरे होने में ना यूज करें, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, तो साइड इफेक्ट बहुत देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। तो पीछे वाले प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस क्रीम को, बट फेयरनेस में, गोरे होने में नहीं यूज कर सकते, तो आप ये बातें ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस क्रीम को यूज कैसे करें। सबसे पहले आप इफेक्टिव वाले जगह को सही से अच्छे तरह से वॉश कर लें। अब वॉश करने के बाद उसको सही से सुखा लें। अब सुखाने के बाद उस जगह पर थोड़ी सी क्रीम लीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दें, वहाँ पे लगा लें। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले उस जगह को सही से धो लें और धोने के बाद सुखा लें। सुखाने के बाद थोड़ी सी क्रीम लीजिए और वहाँ पे लगा लीजिए। और दोस्तों इसको नाइट में, रात में ही यूज करें। यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह, एडवाइस जरूर ले लें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। बाय दफा किसी को सूट ना करें तो यह देखने को मिल सकता है, स्किन ड्राई, स्किन एलर्जी, स्किन रेडनेस। तो दोस्तों इसमें से कुछ भी दिखे तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारा वीडियो कॉस्मेट जीएम क्रीम के बारे में, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन का सबसे बढ़िया क्रीम है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों ये हमारे सेकंड वीडियो है, जो कि कई लोग कमेंट करे थे कि इस पे सेकंड वीडियो बनाए। तो दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैंने एक अहम बात बताया है, तो वो आप देख सकते हैं ध्यान से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।